अभियान को आपणाई निराकारपुर अंचल वरिष्ठ नागरिक माने निराकारपुर अंचल वरिष्ठ नागरिक माने आज निराकारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर सफा करेर ये हूँ प्रथम सफे कार्यक्रम जहाँ को नहीं मैंने साधारण अनेक चर्चा होती देखो मैंने ये हूँ मेडिकल परिसर ये मेडिकल परिसर किभली भाव अपरिष्कार पड़ी अनावना घास गछरे परिपूर्ण होती जंगल भाई भ्रम सृष्टि कर अनेक सरीसृप ये बास कर संभावना अच्छी किंतु ये निराकारपुर अंचल जो वरिष्ठ नागरिक संघ अच्छी से वरिष्ठ नागरिक संघ आज ये सफे कार्यक्रम को आगे नहीं देखो समस्त हाथ में अच्छी कोदाल अच्छी कोड़ी अच्छी से अनामना गच गुड़िक मान संपूर्ण भाव में परिष्कार करभली भाव स्वास्थ्य परेश भल रक किसी उत्साह युवक वरिष्ठ नागरिक मान सहित अच्छा आसतु आम सीधा सख वरिष्ठ नागरिक मानकर जे आवाहक अच्छा आम सीधा सख्त प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे आपण जो कार्यक्रम चलती मैंने केत समय धरी ये कार्यक्रम कले आँ आप मन भितर आशा रखिंट आम आज्ञा सकाल आठटू आसिकी आम समस्त प्राय लगी बुढ़ा मैंने आम मैंने भाविलु जे पाने आजिकार युव समाज जहाँ करवा कथा से मैंने करूना तेणु आम वृद्ध मैंने जो मैंने कि बयस अतिक्रांत करें समस्ते चिंता करें एग्जाम्पल क्रिएट करूँ से आमठ देख जमी कम उत्साह प्रकाश करेंगे तेणु आपणकर स्वच्छ भारत अभियान तो मोदी कहले नवीन बाबू कहले कि प्राक्टिकाली से पारू आम कर प्रथम आरंभ करपुरु जदि संभव आम खोर्धार भी करूँ निश्चित भाव में बर्तमान अनेक आशा रखिंट से निराकारपुर प्रथम थर कर आरंभ कर मेडिकल परिसर बर्तमान सफे करते केत समय धरी आप बर्तमान ये आसिक सफे कार्यक्रम कले आम प्राय आठटा पर ठार समस्त वरिष्ठ नागरिक सदस्य ये विभिन्न सफे उपकरण धरी पहुँचे से मैंने लगातार लगी एडा हमें शेष कलापर एठ जीवु निश्चित भाव में बर्तमान से आशा रखिंट संपूर्ण भाव में यू कम पूर्णांग करेंगे पूर्णांग कर सारापर अं आड़ जी आज्ञा कौन कहे बर्तमान आपण मैंने केत समय धरी ये सफा कले आने युव समाज को कौन दिग्दर्शन देवे आम आठटा बेलू आरंभ कले कार्यक्रम आखुच परेश आगे नमर पचर जी सब अच्छा युव मैंने से कार्य कर आगे नहीं जी बोली अनुमान कर आहरी कम करने आम उत्साहित होधिका कम करने भी मनोनीत निश्चित भाव में आसतु आउ जे वरिष्ठ नागरिक अच्छा आम सीधा सख्त प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे बर्तमान युव समाज को मैंने किभली भाव में आप प्रेरणा देखते आज निराकारपुर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्त गरीब ठार धनी पर्यंत समस्त साहा भरोसा किंतु ये परिवेश जहाँ एथिरे समस्ते एक प्रकार आखि बुझी दौंते यार सफा रखा को निर्मल रखा कहार लक्ष्य ही नहीं तेणु आमर वरिष्ठ नागरिक संघर समस्त सभ्य एकाठी ही चिंता कलु जे आग मेडिकल परिवेश को परिष्कार करने तेणु आज आम प्राय आठटा बेलू आम दस कोड़े जन वरिष्ठ नागरिक आसी या भितर हणाहणी करी यार परिष्कार परिच्छन रखापी आम चिंता करूचु एवं या देखी जो युवक माने आखि फेर परिवेशर सफा सैट्रु हे तो आम को देखी से माने उत्साहित हेले अंततः परिवेश सुंदर हम एवं सुस्थ और स्वास्थ्यवर्धक हम निश्चित भाव में बर्तमान भारत प्रधानमंत्री जो नारा देते मैंने स्वच्छ भारत अभियान स्वास्थ्य ही संपद स्वास्थ्य ठीक रहिले परिवेश ठीक रहिले निजर स्वास्थ्य जी ठीक रुप ठीक अच्छी पार्थय कर बर्तमान मैंने ये जो निराकारपुर अंचल वरिष्ठ नागरिक संघ आज सफा करने को मेडिकल परिसर सफाई करो गुड़ी अना बना गचरे परिपूर्ण होता ताकू संपूर्ण भाव में सफा कर अंचल किसी स्थानीय युवक अच्छा मेडिकल रे कार्यरत कर्मचारी उपस्थित अच्छा स्थानीय निराकारपुर अंचल सरपंच सरपंच उपस्थित अच्छा वरिष्ठ नागरिकों सहित बर्तमान जोग देते से सफा करें सीधा सड़क जावा आमर जो युव सरपंच अच्छा प्रतिक्रिया ना ठीक पचारि बुझा किभली भाव में सी बर्तमान वरिष्ठ नागरिकों सहित कार्य जोग दे आज कौन कहे आपण आशा कौन अच्छी वरिष्ठ नागरिक मान सहित जो बर्तमान मेडिकल सफा कर
ମୁଁ ହୃଷିକେଶ ରାଉତରାୟ ସରପଞ୍ଚ ନିରାକାରପୁର। ଆମର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ନିରାକାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ରହିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହିତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନେ ମଉସା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠମାନେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସେ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ୟାକୁ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଉତ୍ସାହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।